बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? त्रिशा। और आपका क्या नाम है? अनन्या। तो एक ही बात बताइए, आप दोनों इतने छोटे छोटे यहाँ किसे देखने के लिए खड़े हैं? मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, अब ये वो जनरेशन है जो अगले 12-15 सालों में वोटर बनेगी। वो आज जो प्रतीक देख रही है एक स्वच्छ राजनीति का, वो एक तरीके का मापदंड तय करती है कि भारत की राजनीति कैसी होनी चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए, सांसद कैसा होना चाहिए। अच्छा, सांसद कैसा होना चाहिए? क्या नाम है आपका? हमारा नाम विकास शर्मा है। सांसद हमारे मोदी जी के जैसे, जो कि इस पूरे बनारस का विकास किए। पिछले 10 सालों में हमने देखा है अपने आंखों से, पहले बनारस में कितनी प्रॉब्लम होती थी, कितनी ट्रैफिक होती थी। अब आप देख सकते हैं कितना सुंदरीकरण हुआ है, और रिंग रोड की वजह से हम लोग को काफी मतलब ट्रैफिक नहीं मिलता हम लोग को कहीं भी आने जाने के लिए। सड़कें चौड़ी हो गई। देखिए, आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, गले में भाजपा का मैं पटका देख रही हूँ, सिर पे टोपी देख रही हूँ, लेकिन विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी ने लोकतंत्र का गला दबा दिया है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं मैम, जितना मोदी जी ने कार्य कर दिया उतना कार्य कोई नहीं कर सकता। और 10 सालों में उतनी उपलब्धियाँ हैं, इतनी लोगों को कहाँ से कहाँ बजा दे। आप ये, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं 10 साल यहाँ स्थिति एक लाइट नहीं थी, कि मूर्तियाँ इसकी किसी पेड़ पर नहीं होते थे और रोड इतनी अच्छी नहीं थी, बारिश होती तो यहाँ पानी लग जाता था, लेकिन आज हर एक काम बहुत ही बढ़िया हुआ है और बहुत ऊपर तक। अच्छा, देखिए आप, ये तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा बोलेंगे, जरा देखते हैं पीछे जो जनता खड़ी है वो क्या बोलती है। क्या वाकई में सड़कें चौड़ी हो गई हैं? क्या वाकई में सफाई हुई है? क्या बिजली पानी सब ठीक है? पहले से बहुत सही है, पहले से बहुत अच्छा है, अब तो बहुत अच्छा है। पहले बहुत समस्या थी जो कि अब एक एक करके हाँ बताइए, पहले आप बोलिए। बहुत ज्यादा लाइन कटता था, अब लाइन बिजली कटता नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत ज्यादा कटता है, और तो बाकी सब सही है, पानी वानी सुविधा। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, जब से मोदी जी और योगी जी के आए हैं तब से यहाँ पर बिजली की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, सड़कें चौड़ी हुई है, साफ सफाई के मामले में तो आप 2014 से पहले देख लीजिए बनारस और अब का बनारस देख लीजिए, कितना अंतर है योगी जी और मोदी जी के आने से। अरे, विपक्ष तो लेकिन कह रहा है कि तो इस बार तो बनारस भी उनके लिए मुश्किल है, क्या कहिएगा विपक्ष को? अरे, विपक्ष का काम तो बस विरोध करना है और कुछ नहीं, उनको हर जगह बस गंदगी का और लगेगा कि कुछ नहीं काम हो रहा, जबकि आप पहले जाकर तुलना कर ले कि आज से और 10 साल पहले की तुलना कर ले तो समझ में आ जाएगा कि कितना अंतर है। अच्छा, एक इस बार आप देखिएगा कि जितने भी विपक्ष के वो नेता हैं या वो राजनीतिक दल हैं जो कि परिवारवादी राजनीति चलाते हैं, वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब वार करते हैं तो क्या कहते हैं कि इनका तो परिवार ही नहीं है, है ना? बार बार आरोप क्या लगता है कि मोदी जी क्या जाने उनका तो परिवार नहीं है, जिनका परिवार है वो समझते हैं कि परिवार का दुख क्या होता है। देखिए, क्या है कि विपक्ष जो बातें बोलती है परिवार नहीं है, लेकिन मोदी जी तो अपने पूरे के पूरे भारत देश को ही अपना परिवार मानते हैं। हाँ, ये उनका कहना सही है कि जैसे कि वो अपने परिवार को जो लॉन्च करते हैं, जैसे आप अगर अभी देखेंगे तो अखिलेश यादव अपनी बिटिया को लॉन्च करने की तैयारी कर चुके हैं, हर एक कन्नौज हुआ, मैनपुरी हुआ, हर एक जगह उनको लेकर जा रहे हैं, तो वो अपने परिवार को लॉन्च करते हैं। और मोदी जी पूरे भारत के अंदर जो टैलेंट है, जो लोग राजनीति को लेके एक अच्छा काम। दोबारा आपके पास आती हूँ, एक बार ये तस्वीर देखिए, ये फ्यूबिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए, जब भी कोई वीआईपी कैंडिडेट आते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं, जब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो फ्यूबिकेशन हो रहा है, ये कुछ प्रोटोकॉल है।